गाइस, मैं आर्टिस्ट सुनीलराज, फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि जो दशहरा घाट है और दशहरा घाट कहाँ पर है, ताजमहल जो है उसके जस्ट पीछे, और उसका व्यू क्या आता है, कैसा है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आप देखते रहिए। और मेरे साथ में है मेरा दोस्त नरेश। और नरेश, मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे ताजमहल का। लोग सामने से देखते हैं, हम पीछे से देखने आए कैसा दिखता है। ऐसा ना, ताजमहल तो हमने बहुत बार आगे से ऊपर से बहुत बार देख चुके हैं, लेकिन जो यहाँ का व्यू है शायद आपने देखा नहीं होगा। और मैं तो चाहता हूँ कि आप भी कभी आना, इसकी परमिशन लेके। वैसे तो यहाँ पे आने के लिए बहुत सारे रूल फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है, तो हम लोग भी परमिशन लेकर ही आए हैं, तो आपको दिखाते हैं। और सुंदर, ये हमारे साथ में सुंदर, इसको भी बुलाया अभी। थोड़ा सा लेट हो गया ये, लेकिन कोई नहीं, आ गया है। इसका वेट बहुत करना पड़ता है हमें, बहुत बड़ा आदमी है ना, देख रहे हो ना कितना बड़ा है, देखो कितना बड़ा है। देख लिया होगा कि बैकग्राउंड में हमारे ताजमहल है, और ये है दशहरा घाट। दशहरा घाट दिखाओ नरेश। ये है दशहरा घाट, और इसके पीछे जो है वो है मेहताब बाग। तो एक्चुअल में क्या है, मेहताब बाग जाने के लिए भी टिकट लेना पड़ेगा, लेकिन उधर फ्रंट से आना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा पाओगे आप लोग। और आप देख रहे होगे यार, ताज कितना सुंदर लग रहा है, इतना वाइट लग रहा है, इतनी धूप से इतना चमक रहा है, और जो रेड देख रहे हो, रेड भी इतना सुंदर लग रहा है। तो अगर आपको कभी ताजमहल घूमने के लिए आना हो ना, तो उसके बैक में जरूर आना, क्योंकि इसका बैक जो है ना बहुत ज़्यादा सुंदर है। क्योंकि ज़्यादातर देखते हो गए आप लोग कि एंट्री तो हम लोग कर लेते हैं, बेसिकली जो लोग देखने के लिए आते हैं वही हम देख के चले जाते हैं, उससे नया क्या देखा आपने। अगर आपको नया देखना है तो उसके बैक में आइए और पूरा व्यू के पूरे एंजॉय लीजिए, मजा कीजिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम यहाँ से निकलते हैं, अभी कोई एक जगह बता रहे हैं काइंडली, या पता नहीं क्या है वो, तो हमें एक्चुअल मतलब जो नाम होता है वो पता नहीं है, लेकिन यहाँ से घूमने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं। नरेश, क्या नाम बताया यार उसका काइंडली बताया, यहाँ पे स्थानीय लोगों ने जो काइंडली है, कायोटीज है। कायोटीज नहीं है, कायोटीज तो पॉटी को कहते हैं। क्यों सुंदर, पागल हो गया, पॉटी को कायोटीज नहीं कहते? और कायोटीज तो यार बहुत अच्छी चीज है यार, कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रही, रोज यही कायोटीज है वो। तो दोस्तों अभी चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि क्या नजारा है। वैसे मजा तो बहुत आ रहा है, घर से निकल के घूमने में ऐसे मजा बहुत आता है। क्यों, मजा आ रहा है कि नहीं? मजा तो बहुत आ रहा है, पर धूप भी बहुत सारी है। कैसे हो? हाँ बता रहे हैं, बहुत अच्छे। काला पड़ गया हूँ, ऐसा लग रहा है काला पड़ गया हूँ, बहुत ही है यार। नरेश बहुत काला पड़ गया है, बता रहा है, देखो कितना पहले की भी काली पड़ गई। अरे यार मैं भी देखो कितना काला हो गया, झूठ बोलने का भी डर है। गए तो थे वहाँ पे, लेकिन उसका नाम कांटली नहीं है, कांटली है, लेकिन उधर क्या हुआ, वहाँ हमें जाने नहीं दिया गया, क्योंकि वो जगह क्या है अभी बंद कर दी है कुछ दिक्कतों की वजह से। तो लेकिन हम लोग वहाँ जाते जाते बहुत थक गए, ये देखो ये ले गया था मुझे कांटली, तो बनी देख ली कांटली, कांटली ये क्या। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं आई लव आगरा पर, और यहाँ मतलब इतने टाइम से हम नहीं आ पाए, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग वगैरह बनाई, लेकिन आने का टाइम ही नहीं मिल पाया हम लोगों को। तो अभी क्या है, बहुत टाइम बाद अब यहाँ से हम गुजर रहे थे, तो हमने सोचा कि अब आई लव आगरा जो है एक बार देखा जाए कि कैसा लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी हम आपको यहाँ की पेंटिंग दिखाएंगे और यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाएंगे कि अब कैसा लग रहा है और पहले कैसा था। थोड़ा सा कलर वगैरह फेड हो गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा है, अभी दिखा दें। आपको पेंटिंग दिखाता हूँ कि यहाँ की पेंटिंग किस तरीके से बनाई गई है और कितनी अच्छी सुंदर लग रही है, कैसी लग रही है, ये आप कमेंट में जरूर बताना। अभी जितनी भी आप बैकग्राउंड में पेंटिंग देख रहे होंगे, ये सारी बनाई गई हैं हम लोगों के द्वारा। तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये पेंटिंग कैसी बनी है, ठीक है, बारी बारी से दिखाता हूँ।
आप लोग देख पा रहे होंगे कि पीछे इतनी सुंदर पेंटिंग बनी है, अभी हमने आपको पीछे दिखाई थी, लेकिन इसके बाद ये वाली पेंटिंग दिखाते हैं। काफ़ी सुंदर नरेश, कैसा लग रहा है पेंटिंग को देख के? बहुत अच्छा फील हो रहा है। इतने दिनों बाद अपनी बनाई हुई पेंटिंग देख रहे हैं, कैसा, मतलब क्या पेंटिंग में कोई दिक्कत आई या फिर कोई कलर ये है? पेंटिंग हमने अच्छी तो बनाई थी, पर उन लोगों ने केयर नहीं की है, थोड़ी काली पड़ गई पेंटिंग। अच्छा, तो इसको केयर करने के लिए क्या करवाना चाहिए था? इनको कवर अप करवाना चाहिए था ऊपर से, जैसे इनके ऊपर कोई फूके ना, कोई खराब ना करे इनको, इसलिए। तो क्या है, और इसके ऊपर वो क्लियर वार्निश भी हो जाती तो एक बार काफ़ी बहुत अच्छा, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए रुक पाती हैं, लेकिन क्या है अभी भी लेकिन बहुत अच्छी हैं। आगे भी अगर कुछ ऐसा लगेगा तो इन पर वो सब कुछ करवाना पड़ेगा, क्यों नरेश? वो करवाना पड़ेगा तभी रुक पाएंगी, लेकिन वैसे अभी इनका कुछ नहीं होने वाला, अभी तो बहुत अच्छी लग रही है। अभी दिखाता हूँ आपको कितनी सुंदर और कितनी मस्त पेंटिंग है, आप देख कर ही ये बोलोगे यार कितनी मस्त पेंटिंग होने। देखो दिखाता हूँ, दिखाता हूँ कि यहाँ पर चेयर पे भी काफी अच्छा वर्क किया है पेंटिंग से, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। देखो दिखाता हूँ आपको, अगर आप मेरे भाई को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सब पर। और आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, आप लोगों की मजेदार और बढ़िया वीडियो बनाएंगे आगे भी, और अभी बनाई रहे, मेहनत चल रही है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।